नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अजय कुली। लगातार हम आपको हरियाणा के पंचायती चुनाव का जो जनता आनंद ले रही है, साथ में वो प्रत्याशी जो जनता के बीच जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं, तो आज हम मौजूद हैं नूह जिले के वार्ड नंबर 19 में जो कि जिला परिषद में, और हमारे साथ यहाँ इस मौजूदगी में वरिष्ठ पत्रकार मेवात के, या फिर यूँ कह लें कि हिंदी के हरियाणा के टॉप पत्रकारों में जब नाम आती है तो उनका नाम है अलवी यूनिस अलवी जी। अब उनसे हम सीधा बात करेंगे कि अब की बार जब जनता के बीच जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज के मुद्दों को उन्होंने उठाया है, बहुत ही समाज की बातों को लिखा है, कहीं ना कहीं अब समाज जब वोट की बात आती है तो किस तरह का प्यार, किस तरह का समर्थन जनता से मिल रहा है जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं डीटीवी चैनल का जो है स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और रही बात इसकी, देखो सबको पता है कि मेरा 16 साल पहले का एक्सीडेंट हो गया था, रीढ़ की हड्डी में नस दब गई थी, इसकी वजह से मैं पैरों से हैंडीकैप्ड हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं 16 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और जो समाज की, इलाके की जो आवाज़ें हैं उसको उठाता हूं। और जिस तरीके से आज जो लोग देख रहे हैं, प्यार देख रहे हैं, मतलब ये लग रहा है कि ये लोग मेरी मोहब्बत में आके मेरे पैर बन गए। मतलब इनको, मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं आज हैंडीकैप्ड हूँ, और इनकी जो मुझसे ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अलवी, क्योंकि मैं 25 साल से पत्रकारिता करता हूँ, पहले भी इस पेनंगवा में जो वार्ड था, आज भी 19 है और 22-25 साल पहले भी 19 नंबर वार्ड था, लेकिन उस टाइम 46 गांव थे 43। उस टाइम पेनंगवा ने मुझे 80% वोट दी थी, तब जैसे काफ़ी राजनीतिक दबाव के चलते 80% वोट थी, वो अलग बात थी। उस टाइम में मेरे चाचा के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे दूसरे चाचा के नाम पर दी थी, लेकिन आज जो मुझे समर्थन मिल रहा है, आज भी उनके, मेरी बहनें हैं, इनके पड़ोस में रहती है, सारे गुजर भाई हैं, सारे अपने सरदार जी हैं, कटीक हैं, दूसरे समाज, कई समाज के लोगों ने आज मुझे समर्थन दिया, क्योंकि मेरी बहन है, उनको ये अपनी बहन मानते हैं और भाई मानते हैं। कभी भात की बात आती है, सबसे मुझसे पहले ये लेके चलते हैं। या माना जाए कि पिनंगवा मेरा अपना गाँव है, अपना घर है, और आज मुझे जिस तरीके से एक समर्थन दिया सब ने मिलकर, मौजूद आदमी है, जो आदमी जानते हैं सभी बहुत मौजूद आदमी है, जिस उम्मीद के साथ, जिस तमन्ना के साथ, जिन भावनाओं के साथ मुझे जो है समर्थन दिया है, अगर ऊपर वाले ने मुझे जिताया या मौका दिया तो उन उम्मीदों को मैं पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। ख़ासतौर पर आपके सामने है ये नाला, देखो इसमें से कोई मोटरसाइकिल सवार गिर सकता है, कोई कहना में बच्चा गिर सकता है, अगर इस तरीके से अगर खुला रहेगा तो ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह। मैं चाहूँगा कि इस तरीके से काम है वो जो आम सार्वजनिक हो, सबके लोगों के पास हो, वो काम हो, इस तरीके काम करने की कोशिश। पत्रकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ कोई भी अगर पार्षद बनाया जाता है या वार्ड से जनता चुनकर भेजती है तो कहीं ना कहीं वो जनता के बीच 5 साल नज़र नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में फिर से उनके साथ वादे और दावे होते हैं। क्या लगता है कि अगर जनता गिलास या जग के साथ आपके साथ चलती है तो क्या वाकई में जनता को जो विकास कार्यों की उम्मीदें आपसे हैं, जिस तरह आपने समाज के मुद्दों को उठाया, तो क्या जनता का विकास होगा? बिल्कुल बिल्कुल, पहली बात, क्योंकि जैसे पार्षद हो, सरपंच हो, मेंबर हो, तो जनता उम्मीद के साथ चुनती है और वो चाहती है कि जिसको हम चुन रहे हैं वो हमारी आकांक्षाओं, जो उम्मीदें हैं, वो हमारे काम में काम आए। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जो जिला पार्षद, खासतौर पे अब यहाँ से जो जिला पार्षद थे, 10 साल इस पिनंगवा की जनता ने, इस वार्ड की जनता ने सर आँखों पर रखा, अच्छी वोटों से उनको जिताया, लेकिन उन्होंने केवल जो है केवल कुंडा बनाना और छोटे मोटे रास्ता बनाना, यहाँ तक जनता को सीमित रखा है। जबकि जिला परिषद के अधीन 16 डिपार्टमेंट है जो हरियाणा सरकार ने कर रखे हैं, अगर वो चाहते तो लोगों को, चाहे बिजली है, पानी है, नहरी पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है और बागवान, मतलब ऐसे 16 विभाग हैं, वो चाहते तो बहुत कुछ करा सकते थे अगर मुझे मौका मिला। लोगों को यह एहसास होगा, क्योंकि मैं अगर हार भी गया, ये ऊपर का हाथ है, जीता ऊपर वाले खाते हैं, अगर मौका मिला तो लोगों की उम्मीदों से ज़्यादा काम करने की कोशिश। कितना परसेंट वोट आप जुटा पाएंगे सर? देखो परसेंटेज ऊपर वाले के, लेकिन जिस तरीके से आप प्यार देख रहे हैं, लगता है कि दावा नहीं कर रहा कि जनता 30 तारीख के बाद जग के निशान को मिटाने वाली है, दबा दबा कर। बिल्कुल उम्मीद है ऊपर वाले पे, क्योंकि ये बात घमंड की हो जाएगी, एक चकनाचूर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से प्यार मिल रहा है कि शायद जीत बहुत करीब है और बहुत नज़दीक है। जनता से क्या अपील करेंगे? बस मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से मुझे लोग नज़दीकी से देखते हैं, परखते हैं, और उसके हिसाब से वोट जो है किसी
जाति के, धर्म के, किसी और पे नाम ना देके ये उम्मीद के देखे कि कौन आदमी काम कर सकता है। मुझे जाता हुआ है, परखा हुआ है, मेरे परिवार को जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक जगह पे मोहर लगाकर मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। ये हमारे साथ वार्ड नंबर 19 के भावी उम्मीदवार यूनिस अलवी जी थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लगातार मेवात की जनता का दर्द जिन्होंने लिखा है, आवाज़ को जिन्होंने उठाया, वक्त है जनता का उनको समर्थन करने का। जी क्या कहना चाहेंगे सर इस चुनाव को लेकर? वार्ड नंबर 19 में आप अलवी जी के साथ चल रहे हैं, कहाँ देख रहे हो? भाई इससे बढ़िया उम्मीदवार हमें तो कोई नजर आता ही नहीं है। और मैं जनता से भी अपील करूँगा, अपने भाइयों से भी अपील करूँगा, जाति पाति ना देख करके, कैंडिडेट देख करके और जग के मोड़ पे निशान लगाए। धन्यवाद। और भी लोग उनसे बात करते हैं, किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को जब आप अलवी जी के साथ चल रहे हैं, पत्रकार साहब के साथ चल रहे हैं वार्ड नंबर 19 में, क्या वाकई में आपकी बार जग लहराएगा? हमारे जो यूनुस अलवी जी पत्रकार हैं, बहुत ही एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेक इंसान हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो वार्ड नंबर का विकास करा सकते हैं तो सिर्फ एक यूनुस अलवी जी ही करा सकते हैं। धन्यवाद। ये जनता और उसके साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मेवात के यूनुस अलवी जी मौजूद रहे वार्ड नंबर 19 से। अब की बार वो भावी उम्मीदवार हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, हम देखें कि किस तरह का समर्थन जनता से हो पा रहे हैं। साथ ही में जनता अब क्या चुनेगी और आने वाले 30 तारीख को क्या तय होगा, तो बने रहे आप हमारे साथ डीटीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।